मंगुड़े फिर मिट जानिया लगे सिर ते दाग किवें दबेगी जड़ी तेरे नाल होनी कुड़े मारिया। माय न्यू वीडियो गाइस, तो लास्ट वीडियो मैंने स्क्वाडा सुबह की डाली थी, जो काफी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए। तो उस वीडियो के नीचे काफी बंदों ने कमेंट करके यही पूछा है कि ये एवरेज कितनी देती है, मतलब मोस्टली कमेंट यही है कि एवरेज कितनी देती है। तो आज मैं बताने जाऊंगा आपको एवरेज कि ये कितनी एवरेज दे रही है। तो बाकियों की तरह कुछ ऐसा वो नहीं करूंगा कि आपको पहले, मतलब पहले ही नहीं बताऊंगा, एंड में जाके बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले ही बता रहा हूँ, मैं एवरेज बहुत अच्छी देती है। और चलाने में जो कंफर्ट है इस कार का, वो मैंने कोई भी कार, मैंने काफ़ी कारें चलाई हैं, मेरे को नहीं लगता कि इससे ऊपर कंफर्ट मेरे को आज तक किसी कार में मिला है। और एक तो कंफर्ट वाइज और एवरेज, जो कि हमारा मेन टॉपिक जो था वो कि एवरेज का है। तो एवरेज ये बहुत, जिनको भी लगता है कि स्क्वाडा सुपर्ब एवरेज नहीं देती, तो ऐसा कुछ है नहीं, अपने ऊपर होता है वो, आप कैसी चला रहे हो, कैसी ड्राइविंग आपकी। नॉर्मल अच्छे से चला रहे हो तो 17-18 हाईवे पे बड़े आराम से दे देती है, लोकली दे देती है 13-14 की, जो कि बहुत है। इतना बड़ा इंजन है तो बहुत एवरेज है, वैसे ही लगता है। और कंफर्ट भी तो देखो कितना दे रही है आपको, कंफर्ट दे रही है, क्लास दे रही है, बैठने में कितना बढ़िया फील होता है आपको अंदर, कितना बड़ा कैबिन है इसका पीछे। तो एवरेज 17-18 मेरे को तो दे देती है भाई। और जिनको ये क्वेरी थी कि ये कार सेकेंड हैंड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, भाई लेनी चाहिए ना लेनी चाहिए आपके ऊपर है, पर मेरा सजेशन तो यही है कि हाँ, अगर आपको मिल रही है, ठीक मिल रही है, तो ले लो। और बाकी अपने हाथ से एक बारी सर्विस करा दो इसकी, एक बारी अपने हाथ से सर्विस हो जाएगी, फिर तो सारी कारें अच्छी चलती हैं। अपने हाथ से एक बारी सर्विस करा लो, बाकी कुछ नहीं है यार, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इतना। तो बड़े आराम से चलाओ, आराम से, ये बढ़िया एवरेज दे देती है। और एवरेज ये बड़ी अच्छी दे रही है, 17-18 भी, मैं तो बता रहा हूँ ताकि लोगों को लगे कि अगर मैं बोल दूँ कि 20 की एवरेज दे रही है तो लोग कहेंगे कि यार 20 की तो 2000 इंजन दे ही नहीं सकता एवरेज। भाई दे रही है, 20 की भी दे देती है भाई, मेरे को दे रही है भाई। औरों का मेरे को नहीं पता किसको कितनी दे रही है, किसको कितनी दे रही है, क्योंकि अलग अलग लोग बैठे हैं, कोई 13 की ले रहे हैं, कोई 10 की ले रहे हैं, कोई 20 की भी ले रहे हैं। तो भाई ये 17-18 तो नॉर्मल हाईवे पे दे ही देती है अच्छे से। और प्यार से चलाओ, 70-80 पे चला रहे हो, चलो 70-80 तो नहीं, मतलब 80-90 पे चला रहे हो, तो बढ़िया एवरेज है भाई। 20 की एवरेज बहुत है यार, बहुत होती है एवरेज 20 की, आजकल की नई कारों की भी नहीं एवरेज इतनी। तो बड़े आराम से कार ले लो ये, जिसको भी लेनी है, ये नहीं अपनी जो भी सेकेंड हैंड लेनी है किसी ने, तो ले लो बड़े आराम से। और एवरेज के मामले में बेफिक्र हो, जो डीजल है ये मेरे वाली, तो डीजल 20 की एवरेज बहुत दे देती है भाई, बहुत है। 20 की हाईवे पे देनी एवरेज बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही ज़्यादा है। 2000 इंजन है यार, वालो इसकी तो सारा ही बढ़िया है। और क्या, अभी मैं एक और वीडियो बनाऊँगा इसकी, मैं लाइटें इंस्टॉल करवा रहा हूँ इसमें, हेडलाइटें जो कि थोड़ी ज़्यादा ब्राइट हैं इससे जो पहले थी, क्योंकि इसकी लाइटों में दिक्कत रहती है, ब्लास्टर वगैरह इनके 10 साल बाद जवाब दे देते हैं। तो लाइटें चेंज इंस्टॉल करवाऊंगा मैं नई वाली, अब LED करवाऊंगा, जो भी है आपको वीडियो में दिखी जाएगा, आप वीडियो में डालूंगा। और बाकी और कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो। और इस बार कोई ज़्यादा लेट नहीं करूंगा मैं वीडियो, उसी टाइम बता दूंगा, उस टाइम मतलब जैसे जैसे कमेंट आते रहेंगे, हफ्ता कमेंट देखूंगा, उसके बाद आपको वीडियो आ जाएगी उसकी, जो भी आपके कमेंट होंगे उसके रिलेटेड वीडियो आ जाएगी स्क्वाडा के बारे में। तो बाकी स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।